वेलकम टू क्रेजी ट्रिक्स विथ महन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं और हमारी आगामी जो परीक्षाएं होगी मध्य प्रदेश की, ठीक है, व्यापम जो एग्ज़ाम्स लेगा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको विधानसभा से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी और भी इस वीडियो के अंदर मैंने डाला है कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें, ठीक है, तो एक ओवरऑल एक व्यू हम बोल सकते हैं एमपी का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है 1956 के टाइम से, उससे पहले जो हमारे चार भागों में बटा हुआ था मध्य प्रदेश, ठीक है, तो उनमें से जो भोपाल वाला एक पार्ट था, ठीक है, उसके जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, वो यहाँ पर जो हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री जो नए मध्य प्रदेश के थे रविशंकर शुक्ल जी, उनको भोपाल में जो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए जो एक जगह दिखा रहे थे वो दिखाते हुए उनका ये फोटो है, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल बात, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने वाला था, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये पुरानी विधानसभा भवन का है जिसके अंदर मध्य प्रदेश में 1956 से 1996 तक 40 साल तक में हमारी जो विधानसभा लगी थी वो इसमें लगी थी, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस जो खूबसूरत इमारत का नाम है वो है मिंटो हॉल, ठीक है। अब ये तो होगी पुरानी वाली विधानसभा की बात, अब जो नई वाली विधानसभा है उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जो नए वाले विधानसभा जो भवन है उसका क्या नाम है, तो सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ठीक है। अब इसके उद्घाटन की हम बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, आप सुनते चलिए, एक बार आप सुनिए, दूसरी बार आपके पास नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब भाई देखो, उद्घाटन की हम बात करते हैं, तो इसका उद्घाटन कब हुआ, 3 अगस्त 1996। देखिए ये इतने अंदर से क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि चुनाव के समय में जो चुनाव के बाद में और पहले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एमपी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भवन, विधानसभा भवन से इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, है ना। तो हमने सारी क्वेश्चनों को इसमें कवर करेंगे, और भाई आप तो सभी जानते ही हो यार, व्यापम है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, है ना, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अब देखिए, इसकी जो नींव रखी थी, यानी कि जो इसका जो मेन भवन का जो उद्घाटन वगैरह करा था वो कौन ने किया था, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके कमलों द्वारा हुआ था, ठीक है। अब इसका नाम हम देख लेते हैं, इंदिरा गांधी विधान भवन रखा गया। अगर इसके डिजाइनकार की हम बात करें तो उनका नाम है चार्ल्स कोरिया, ये आप सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल चुके हैं। इस भवन का जो आकार है एक वृत्ताकार है वो, ठीक है। और इस भवन के बारे में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये 6 सेक्टरों में बटा हुआ है, कितने सेक्टरों में बटा हुआ है, 6 सेक्टरों में, ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार पर एक जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग है, इसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये विधानसभा परिषद के द्वार पर जो है गुलाम शेख की पेंटिंग है, तो इसमें यह और चीज़ हो सकती है कि ये जो पेंटिंग जो जिसके द्वारा बनाई गई है उनका नाम क्या है, गुलाम शेख, और ये पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पेंटिंग का नाम क्या है, जीवन वृक्ष। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब देखिए, हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा इतिहास में, ठीक है, तो इसको बस एक ओवरऑल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। 15 अगस्त 1947 के पूर्व देश में कई छोटी छोटी रियासतें देसी राज्य अस्तित्व में थे, ये आप सभी को पता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, एक क्वेश्चन ये आप जान चुके हैं। 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तो सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। फिर क्या हुआ, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को हमारा जो मध्य प्रदेश है वो अस्तित्व में आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था, चार भागों में बटा हुआ था मध्य प्रदेश, जिसमें से एक भाग था विंध्य प्रदेश। अब विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 4 अप्रैल 1948 में विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब ये आपको कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा, जैसे आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा आप पक्का इसको राइट करेंगे, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट में था, तो ये बाँ में था, लेकिन 1950 में बसा में कर लिया गया था। इसके जो राज प्रमुख थे, यानी कि सबसे पहले, वो थे श्री मार्तंड सिंह, कहाँ के थे, विंध्य प्रदेश के। इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो श्री शिवानंद थे। विंध्य प्रदेश में जो विधानसभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई 21 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई थी। पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री थे, यानी कि पंडित शंभुनाथ
शंभुनाथ शुक्ल जो है वो मुख्यमंत्री कहाँ के थे? पहले विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब हम बात करते हैं मध्य भारत की, तो मध्य भारत के अंदर जो है इंदौर और ग्वालियर और मालवा की जितनी रियासतें थी उनको मिला करके बनाया गया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में की गई थी। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम भी आप देख सकते हैं, लीलाधर जोशी जी इनके पहले मुख्यमंत्री थे। तो अब मैं बात करता हूँ विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है, और मध्य भारत के पहले कौन थे, लीलाधर जोशी। क्लियर है, ये दो चीज़ हम देख चुके हैं। अब आगे वाले प्रांत को देखते हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार विधानसभा। अब इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र था, इसके अंदर जो हमारा पूर्व का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ तरफ का, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, वो से क्षेत्र इसके अंदर आता था। अब राज्य पुनर्गठन के बाद महाकोशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यानी पूर्व मध्य प्रदेश की भोपाल विधानसभा की हम बात करते हैं। भोपाल विधानसभा के अंदर क्या था, भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री जो पहले जो मुख्यमंत्री थे भोपाल राज्य के, वो कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर है, और विधानसभा के अध्यक्ष की हम बात करें तो सुल्तान मोहम्मद खां, ये यहाँ के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज़ तो होगी हमारी इतिहास हिस्ट्री के बारे में, हम मध्य प्रदेश का देख चुके हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं जो क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, अगर हम विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अगर पहले की बात करें कि हम पहले कौन थे सबसे पहले यानी कि फर्स्ट में, तो उनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे। उनका कार्यकाल 01/11 से 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 से ही वो थे, और लगभग 3 बार चुने गए थे कंटिन्यू, ठीक है। और प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में उनका फोटो भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर सीता शरण शर्मा। डॉक्टर सीता शरण शर्मा जो है वो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है, 9/1/2014 से इनका कार्यकाल चल रहा है। क्लियर हुआ, तो पहले कौन हो गए, पंडित कुंजीलाल दुबे, और वर्तमान में कौन है, सीता शरण शर्मा। ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये व्यापम का ही क्वेश्चन है, जेल पेड़ी 2017 का, वो मैंने इसके अंदर दिया, इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो वो आप आंसर दे ही सकते हैं, कमेंट में दीजिए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है, तो सॉरी यहाँ पर फॉन्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो प्रथम की अगर हम बात करें तो वो है श्री विष्णु विनायक सरवटे, ये प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो उनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, ये वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। 10/1/2014 से इनका कार्यकाल है, डेट याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रख सकते हैं। तो विष्णु विनायक सरवटे पहले उपाध्यक्ष है और वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह है, ठीक है। अब देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के, ये बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो जो पहले सबसे पहले जो प्रथम नेता थे नेता प्रतिपक्ष के, वो थे श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। क्लियर है, ये फर्स्ट में थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, श्री अजय सिंह, और उनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्री अजय सिंह, 27/2/2017 से। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो सबसे पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये प्रथम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। 1/11/1956 से 13/6/1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान में है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, 23/1/2018 से, जो कि गुजरात की पूर्व सीएम है, और 23/1/2018 से, और ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कार्यवाहक भी हैं, ठीक है। इनके पास एडिशनल चार्ज वहाँ का है। देखिए क्या होता है कि जो राज्यपाल रहता है जिनके पास कार्यवाहक जो होते हैं यानी कि दो स्टेट के वो राज्यपाल रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस दिन वो कार्यवाहक के रूप में जब छत्तीसगढ़ का कार्य करते हैं तो उस दिन उनकी सैलरी वगैरह जो है वहाँ से जुड़ती है, उस स्टेट से जुड़ती है, और यहाँ से उनकी छुट्टी रहती है, यानी कि दोनों राज्य में एक ही दिन कार्य नहीं करते, वो एक दिन वहाँ और एक दिन यहाँ, इस टाइप से इनका कार्य चलता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे सबसे पहले जो राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, उनको मिंटो हॉल के अंदर यानी कि पुराना विधानसभा का जो हमने पहले फोटो देखा था उसके अंदर 31/10/1956 की मध्य रात्रि को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। और वो किसने दिलाई थी, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्लियर हुआ भाई लोगों, तो ये भी हम चीज़ देख सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि जो हमारी आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में राज्यपाल है उनको शपथ किसने दिलाई है, आप मुझे कमेंट में बताइए।
अब देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पद की जो जो प्रथम जो थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो 1/11/1956 से 31/12/1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। और अगर इनको शपथ दिलाने की बात करते हैं तो इनको शपथ दिलाई थी 28 सीतारमैया, यानी कि जो उस समय जो राज्यपाल थे उनने रविशंकर शुक्ल को जो है शपथ दिलाई थी 1 नवंबर 1956 में। आप उनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 1 नवंबर 1956 की जो पे फोटो है कि लाल परेड ग्राउंड के अंदर रविशंकर शुक्ल जी का प्रथम उद्बोधन था, और अब उसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए हम प्रथम की हमने बात कर ली है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी है, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो भाई वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं मामा जी, है ना। तो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। अगर इनके कार्यकाल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल जरूरी है भाई, बहुत लंबे समय से ये टिके हुए हैं, है ना, तो इसलिए इनका क्वेश्चन इन पर आ सकता है। तो 29/11/2005 से 10/12/2008 तक पहला इनका रहा था, फिर दूसरी शिफ्ट 12/12/2008 से 9/12/2013 तक, फिर 14/12/2013 से अभी चल रहे हैं निरंतर। ठीक है, अभी इलेक्शन होगा उसके बाद में वहाँ तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख चुके हैं। इनसे पहले की अगर हम बात करें तो इनसे पहले कौन थे? बाबूलाल गौर थे। बाबूलाल गौर से पहले कौन थे? उमा भारती थी। उमा भारती से पहले कौन थे? तो दिग्विजय सिंह जी थे, है ना। तो इस तरीके से भी हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तीन हमें ऐसे याद रखना है। तो प्रथम हो गए रविशंकर शुक्ल जी, और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना भाइयों, अब तो समझ में आ रहा है। प्लीज़ यार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब बार बार बोलने की तो ज़रूरत होती नहीं है यार, आप सभी समझते हो, पढ़े लिखे हो। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के जो प्रमुख सचिव है वो कौन है? श्री अवधेश प्रताप सिंह। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और इन पर हम क्या होता है ध्यान नहीं देते कि सचिवालय का कौन पूछेगा यार, लेकिन व्यापम तो भाई जो हम सोचते हैं कि ये तो पूछते ही नहीं है, कोई कभी नहीं पूछता है, और वही क्वेश्चनों को वो पूछ लेता है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, प्रमुख जो सचिव है उनको ही हम देखेंगे सिर्फ है, बाकी तो उप सचिव वगैरह तो बहुत सारे हैं, है ना। तो श्री अवधेश प्रताप सिंह है, और ये सचिवालय में किनको भेजते? जो कलेक्टर वगैरह होते हैं वो उनका बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य का होता है ना, तो उन लोगों को वहाँ पर पे शिफ्ट कर देते हैं, उनकी सैलरी वगैरह सब वही रहती है, बस वो सचिवालय में उनको बिठा लेते हैं। अब ये देखते हैं हम कि जो हमारा पिछला जो चुनाव हुआ था उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि हमारे जो अगर सीटों की हम बात करें तो टोटल 230 होती है, लेकिन एक एक सीट नॉमिनेटेड होती है। पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें कि बीजेपी को कितनी सीट मिली थी, तो टोटल 166 मिली थी, और एक उनने वो निर्दलीय वाली सीट को लिया था। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 57 सीट मिली थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली थी 4 सीट। ठीक है, जो लास्ट इलेक्शन की डेट थी वो थी 25 नवंबर 2013। अगर अभी की हम बात करें कि अभी चुनाव जब होने वाले उसकी डेट क्या है, तो उसकी डेट है 28 नवंबर 2018। तो हमें जरूर याद ये रखना है कि जो पिछली बार में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी, कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, क्योंकि व्यापम आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट ऊपर से उठा के। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ी सी तालिका भी कि इलेक्शन के बारे में, कि अभी कब हुआ था, क्या हुआ था, क्या होना है। तो ये जो चुनाव की जो डेट घोषित हुई है 6 अक्टूबर के दिन घोषित हुई है, आप सभी को पता है। और चुनाव कब होने वाले हैं? 28 नवंबर 2018 को होने वाले हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तो 11 दिसंबर 2018 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्लियर है, बाकी चीज़ और अपने लिए ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं अभी जो चुनाव होंगे साथ में कहाँ कहाँ पर होंगे, छत्तीसगढ़ होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे और मिजोरम में होंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम सीट की बात करें तो 90 है, मध्य प्रदेश में 230 है, राजस्थान में 200 है, और मिजोरम में 40 है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगा है कि ये ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से सही है। क्योंकि पोलिंग स्टेशन आजकल व्यापम ऐसा पूछ लेता है कि जो पिछली बार 2013-14 के कार्यकाल से अगर हम संबंध देखें तो 2018 में कितने परसेंट पोलिंग स्टेशन इंक्रीज हुई है, तो वो चीज़ थोड़ा सा दे सकता है। वो तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश के देखेंगे, 21.24% इंक्रीज हुई है। यानी कि क्या है भाई, 2013-14 के टाइम टोटल 53,896 पोलिंग बूथ थे, लेकिन अब कितने होंगे? 65,341। आई होप कि भाइयों आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब ये भी थोड़ा सा हम चीज़ देख सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ है,
वो 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, और अभी जो वर्तमान में इसके राज्य निर्वाचन आयुक्त में की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन है? श्री आर परशुराम। ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और सचिव निर्वाचन आयोग के कौन है? तो श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, ये वर्तमान में है। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का भी क्वेश्चन कई बार आता है एमपी के क्वेश्चनों में, तो वो है श्री नाभी लोहानी। और अगर सचिव की बात करें तो श्री जीपी श्रीवास्तव सचिव, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्तमान के दोनों याद रखने, श्री आर परशुराम और श्रीमती सुनीता त्रिपाठी। क्लियर है। इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जो वर्तमान में जो मेन मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? ओपी रावत। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 23/4/1977 से 23/6/1970 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में। फिर लगा था सेकंड टाइम 17/2/1980 से 9/6/1980 तक। फिर लगा 15/12/1992 से 6/12/1993, यानी कि अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब और कुछ मेन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए, सभी जो डाटा है ये किसी बुक का नहीं, ये एमपी की जो वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट, उसका डाटा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि मुझे नहीं लगता है कि है, जितना मैंने पढ़ा है। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं कि ये गलत है, तो हम दूसरे लोगों को भी उसमें कर लेंगे। बाकी इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाटा लिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत में। ठीक है, क्योंकि पहला कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश के अंदर जैविक खाद्य संपदा की कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वनस्पतियाँ वगैरह भी यहाँ पर मिलती है, हमारे बालाघाट क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर हम बात करें पैदावार की, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, लेकिन उसके साथ में अरहर चना लहसुन की पैदावार भी बहुत होती है। भारत में सीमेंट का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सीमेंट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। इस राज्य में कोयला बेड मेथेन के 144 BCS से ज़्यादा का रिजर्व है। निवेशकों के लिए उत्तम और शांत माहौल है। ठीक है, ये भी है। अच्छी व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र है। देश का प्राकृतिक लॉजिस्टिक केंद्र है। ठीक है, कृषि जलवायु संबंधी 11 जोन है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कृषि संबंधित से, कृषि में जो जलवायु संबंधी जो जोन है मध्य प्रदेश में, वो कितने? तो वो 11 है। हमें 2-3 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। भारत में सीमेंट का तीसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन होती है। अगर सोयाबीन नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, तो अरहर रहता है। अरहर नहीं तो चना रहता है। क्वेश्चन में डालना इसके अंदर भूल गया हूँ, एक MPSI का 2017 का सेट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ी मात्रा में कौन सी पैदावार होती है। और उसके अंदर अरहर भी नहीं दिया था, सोयाबीन में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ चना उसमें ऑप्शन था, तो चना उसका आंसर सही था। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं आजीविका के साधन। ठीक है, ये चीज़ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र पर कितने % जनसंख्या निर्भर है, तो 70% क्षेत्र निर्भर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य फसल वही होगी, सोयाबीन, गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, चना वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नदियों की हम बात कर लेते हैं बड़ी बड़ी, तो नर्मदा, चंबल, माही, ताप्ती, बेतवा, सोन, बाणगंगा, केन, पेंच, तवा एवं शिप्रा। नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर पूरी नदियों को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देश की सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त है। यानी कि अगर सबसे बड़ा वन क्षेत्र की हम बात करें, तो वो क्या है? मध्य प्रदेश में। अब और कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र हैं, उधर की तरफ आपका राजस्थान है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में आपका गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, उत्तर पूर्व के अंदर छत्तीसगढ़ है। तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। पिछली बार मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ MPGK का, जिसके अंदर इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कितने जिले वगैरह। ठीक है, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से, तो एक मालवा है, निमाड़ है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, चंबल है, महाकौशल है, इंदौर वगैरह, ये मालवा के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, प्रमुख भाषा हिंदी होगी, उसके साथ में बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बघेलखंड में बघेली, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और सिवनी जिलों का आदिवासी क्षेत्रों में भीलाई तथा गोंडी भाषा का भी सामान्यतः प्रयोग होता है। मंडला डिंडोरी तरफ ज़्यादा और बालाघाट इधर की तरफ गोंडी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो ये भाषा से रिलेटेड भी आप चीज़ देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य इसको माना जाता है मध्य प्रदेश को।
राज्य का 31% भाग जंगलों से ढका हुआ है। सीधा क्वेश्चन बनता है ऐसा व्यापम, सीधे सीधे क्वेश्चन उठाता है कि कितना फीसदी भाग जंगलों से मध्य प्रदेश का ढका हुआ है, तो वो है 31%। अगर हम देश की पूरी जमीन से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो है 9.38 हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश का है, ठीक है। 25 ग्लोबल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से 11 मध्य प्रदेश में है। भारी मात्रा में दुर्लभ बेश कीमती औषधियाँ हर्बल वनस्पतियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कुछ मेन जो शहर है उनकी बात कर लेते हैं हम। देखिए इंदौर है, इंदौर के अंदर क्या क्या है आपका, आईटी पार्क है, ऑटो कंपोनेंट है ना, फूड प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पर है कंपनी, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो आपको इंदौर में मिलेगा। लेकिन अगर संयंत्र की बात करें तो वो आपका उज्जैन के अंदर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर है। हमारा एमपीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो मध्य प्रदेश में इंदौर में है, सॉरी। और उसके बाद वित्त मंत्रालय का अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो वो भी आपका इंदौर में है। तो इस तरीके से चीज़ें हम और भी हम पिछले वीडियो में सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हब इसको बोला जाता है, टेक्सटाइल है, बायोटेक है हर्बल है, फूड प्रोसेसिंग है, और यहाँ पर भी एक आईटी पार्क है जो कि अभी बन भी रहा है, जिसके बारे में अभी करंट अफेयर में काफ़ी चल रहा था। वो जबलपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कपड़ा से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है, खनिज है, ठीक है, पत्थर, जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्बल वगैरह है बेड़ा घाट में जबलपुर में, है ना, जो नक्काशी के लिए जाने जाते हैं सफ़ेद कलर के, है ना। और वहाँ पर जबलपुर में एक और ख़ास चीज़ है, खमरिया में ऑर्डनेंस फैक्ट्री है ना, जहाँ पर हमारे जो सेना के निर्माण होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर को हम देखते हैं, ग्वालियर के अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं, वो कॉमन चीज़ें इसमें दी हुई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। रीवा में खनिज, सीमेंट, जंगल, ठीक है। अब मिनरल प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, सागर में होती है, तो ये चीज़ भी कोई खास नहीं है। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश 11 अलग अलग कृषि जलवायु जोन है। इस चीज़ को मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती है। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु जोन कितने हैं, तो 11 हैं। भारी मात्रा में कच्चा लोहा मध्य प्रदेश में मिलता है, हीरा मध्य प्रदेश में मिलता है यानी कि पन्ना के अंदर, ठीक है। तांबा, कच्चा मैग्नीशियम, चूना पत्थर, कोयला, संगमरमर, ग्रेनाइट जैसे आदि खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत की वन भूमि का 12.4% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि भारत की जो टोटल वन भूमि है उसका कितना परसेंट हिस्सा मध्य प्रदेश में है, तो 12.4% है। कोयला, कोलबेड, मैथेन जैसे दुर्लभ ईंधन भी यहाँ पर उपलब्ध है, ये कोई खास नहीं है। भारत के कोल रिजर्व का 7.7% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप पुराने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा। सीधी जिले में कोयले की घनी परत है जो एशिया की सबसे घनी है, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। और हीरे की इकलौती, भारत में हीरो की इकलौती सक्रिय खदान कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है पन्ना जिले में, ठीक है, ये चीज़ भी आप देख चुके हैं। चूना पत्थर के यहाँ पर बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और संगमरमर वगैरह का तो आपको पता ही है। खेती के लिए खास है मध्य प्रदेश, भारत में तिलहन और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र मध्य प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि चना वगैरह है तो भाई दाल भी होंगी सही, है ना। देश में दालों के कुल पैदावार का 25.3%, चने का 36% हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। गेहूं, आलू की कई उम्दा किस्में यहाँ पर हैं, ठीक है। लहसुन, धना, हरा धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हरा धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और भी कुछ मेन चीज़ें हैं कि यहाँ से जो रोज़ाना कितनी ट्रेनें गुजरती है, ठीक है, तो वो चीज़ है, ये खास ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता नहीं है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हवाई मार्ग की हम बात कर सकते हैं तो भोपाल, इंदौर, देवी अहिल्या एयरपोर्ट खजुराहो में, ग्वालियर में है, ये एयरपोर्ट वगैरह हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश की ताकत हम देख लेते हैं कि भाई क्यों हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो मेन जो चीज़ है, किसके दम पर मध्य प्रदेश टेका हुआ है, ये से हम बात कर सकते हैं कि ताकत यानी कि किसके दम पर, यानी कि इसके पीछे किसका हाथ है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल रहे जो होशंगाबाद में, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जो देवास में है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, गन गैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में है, नेपा मिल से है ना, चूना पत्थर है, सोया, सूत, कच्चा लोहा आदि के खनिज भंडार कंपनीज़ वगैरह मध्य प्रदेश में हैं, कपड़ा मिल हैं,
सोया स्टेट इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश को यूनिक बनाती है, ये इसकी ताकत हम मान सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। इसकी जो जीवन शैली है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है दूसरी जगह से, है ना। और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत योगदान रहा है, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में 4-5 बार अवार्ड जीत चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें हम मध्य प्रदेश के बारे में देखें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन कीजिए, मैं PDF आपकी इसके कमेंट के अंदर डाल दूंगा। बाकी आपको इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊंगा, क्रेजी महेंद्र, वहाँ पर भी डेटा आपको मिल सकता है। उसके बाद में महेंद्र ट्रिक्स करके आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मैं और सोचूँ, अगर कुछ कमी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।